हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो एमपीपीएससी मेंस 2023 जो होने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो कॉपियाँ मैंने बच्चों की चेक की है, जो मैंने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स देखे हैं 2020 के और 2021 में, जिसको इंटरव्यू कॉल आया है, जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो उनकी मैंने कुछ कॉपीज़ वगैरह देखी हैं, उससे कुछ कंक्लूजन या कुछ एनालिसिस मैंने किया है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो ये इस बार का मेंस लिखने वाले हैं और जो आगे जाके मेंस की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं कि कैसे आपको स्कोर ज़्यादा करना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो से बताऊँगा। ठीक है, तो पेपर वन जो है आपका, वो आपको पता है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स है प्लस सोशोलॉजी है, ये आपका साइंस है, एथिक्स है, हिंदी ग्रामर और एसे। ठीक है, अब सबसे पहले एक इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए पेपर नंबर 3 से लेके ये वाले पेपर, ये बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन ही 800 नंबर का है। ओके, अब इस 800 में से पूरी आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि पहले दो पेपर में लगभग हर बच्चे का एक जैसा ही स्कोर आता है। मोटे मोटे तौर पे बहुत ज्यादा एज आप नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा गैप आप बाकी कैंडिडेट्स के बीच में नहीं बना पाएंगे। तो पहले दो पेपर में स्कोर एक तो सबका सेम भी रहता है, ये दो पेपर लगभग ट्रेडिशनल टॉपिक है, हमारे तैयार भी रहते हैं, बहुत टाइम से हम इसको पढ़ते भी आए हैं, तो ऐसा कुछ आप एज वाली बात नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले प्रीलिम्स में, पिछले मेंस में जो पेपर वन के 11 मार्कर के क्वेश्चन आए थे, उसमें लगभग आप देखेंगे तो जो मार्क्स आए हैं, कुछ लोगों ने अपनी कॉपियाँ भी देखी हैं, तो सबको लगभग 4, 5, 6 इस रेंज में मार्क्स मिला है। ये दो टॉपिक में या दो पेपर में आपकी एज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस 600 में से आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 600 में से 300 भी लाना मुश्किल है, राइट? तो आपका स्कोर लगभग 250s के लेके 275 के रेंज में रहता है, राइट? पहले दो पेपर में। पर बाकी जो चार पेपर रहते हैं, एक तो होता क्या है कि आदमी पहले दिन पेपर दे रहा है, फिर दूसरे दिन दे रहा है, तीसरे दिन थोड़ा थक गया है, साइंस का लेके वैसे भी थोड़ा डरा हुआ रहता है कि पूरा पेपर साइंस का है। बट आपको अभी से तो कोशिश ये करनी है कि ये साइंस का पेपर आपका कंपैरेटिवली बाकी लोगों से स्ट्रांग रहे, विच वुड फर्दर मीन डैट आपको एक तो मैथ्स वाले क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपको पूरे पूरे नंबर लेके जाएंगे, राइट? वो 11 मार्कर में भी 30 नंबर का मैथ्स आने वाला है। दूसरा, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे करने हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी स्टैटिक टॉपिक है। तो पेपर 3 में और यहाँ के पेपर में आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे बात आती है 3 मार्कर के क्वेश्चन की या फिर 2 मार्कर के क्वेश्चन की, जो एथिक्स की बात है कि एथिक्स में जो 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन पे लेके बहुत ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि हम भली कहते हैं कि 90 मार्क्स के क्वेश्चन हैं पहले 3 पेपर में, है ना, पर 3 मार्कर का सवाल आपका प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ ही हो जाता है, अलग से आपको उसके 3 मार्कर की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात यह भी होती है कि अगर आप 5 मार्कर और 11 मार्कर में एज बना सकते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। पेपर वो डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले 3 मार्कर में उलझे रहिए, आप वो 2-4 उसमें बम्पर क्वेश्चन डाल देंगे, आपको लगेगा यार ये पढ़ाई नहीं मैंने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर जब 5 या 11 मार्कर के क्वेश्चन की बात आती है तो वहाँ पर आप अपना नॉलेज अच्छी तरह से नहीं दिखा पाते। देखिए, 3 मार्कर का जो सवाल है, मैंने पहले भी बताया था, 1 या 2 सवाल करिए ताकि आपका हाथ पेन वगैरह चलने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आपको कभी नहीं दिखेगी। वो जो 3 मार्कर का सवाल है, वो आपके सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ना उसमें इंट्रोडक्शन आ सकता है, ना कंक्लूजन आ सकता है, ना डायग्राम आ सकता है, इतनी स्पेस भी नहीं है आपके पास। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि 5 और 11 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लिखे, 1 या 2 3 मार्कर के लिखिए, सीधे कूदिए 11 नंबर पे, 11 नंबर के सारे क्वेश्चन करिए, फिर आइए 5 नंबर पे और फिर बचे हुए 3 मार्कर पे। अगर आप 3 घंटे में इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे को 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं टोटल पहले 3 पेपर में। ओके,
तो 3 घंटे में 60 क्वेश्चन, मतलब कि आपका जो रेस है वो अगेंस्ट टाइम है, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से लिखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसको जल्दी 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 लिख पाएंगे। अब होता क्या है इसमें, जब 11 मार्कर के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा, जब आप 3 और 5 मार्कर का 11 ऐसे जा रहे हैं, 3 मार्कर किया फिर 5 मार्कर फिर 11 मार्कर, तो 11 मार्कर कैसे लिखोगे, क्योंकि पता है बड़ा मार्कर बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे, थोड़ा बहुत कंक्लूजन लिख दोगे, पर बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हो। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो आदमी कॉपी चेक कर रहा है MPPSC की, जो भी हो, वो उसको कुछ 11-12 हज़ार कॉपियाँ चेक करनी है, 11 हज़ार से लेकर 15 हज़ार कॉपियाँ, एंड उसको फिर वो अपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो लेकर आए हैं चेक करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा काम करना है, राइट। अगर आप एक आंसर लिखते हैं 11 मार्कर का, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे 11 मार्कर का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको सीधे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वर्ड लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो आपका अलग से डेफिनेशन लिखना चाहिए। फिर आपका मेन बॉडी का पॉइंट्स आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टाइप्स है, जैसे वो कॉपी एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया था क्लाइमेट के ऊपर, है ना, कि कितने वर्ल्ड के क्लाइमेट होते हैं, तो टाइप्स हो गए, तो उसके ब्रॉड हेडिंग्स 1, 2, 3, या फिर आप चाहें तो ये हेडिंग जो है यहाँ पे ना लिख के बीच में लिख सकते हैं ताकि सामने वाले को अलग से ये दिखे, चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो। फिर ये अलग जाना चाहिए, यहाँ पे कोई डायग्राम वगैरह आ सकता है आपका, अगर कोई केस स्टडी है तो केस स्टडी आ सकती है, कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आ सकता है, फिर आपका आ जाएगा कॉन्क्लूजन, क्योंकि आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कौन से 2 पेजेस मिल रहे हैं आगे, मतलब आजू बाजू के 2 पेजेस मिल रहे हैं 11 मार्कर के लिए। तो आपको सामने वाले को, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपको 15 मार्क्स का कंटेंट देना है 11 मार्क्स लेने के लिए, आपको कम नहीं लिखना है, पूरा पूरा पेपर इस्तेमाल करना है, ये पेज और ये पेज भी इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट और इफेक्टिव एक्सप्रेशन में फोकस करना है, जैसे UPSC की डिमांड रहती है कि आपने 1.5 पेज लिख दिया और पर कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है तो सामने वाला मार्क्स दे देगा, यहाँ पे वैसी बात नहीं है। आपको पूरी चीज़ें जितने ज़्यादा उसको फैला सकते हो फैलाओ, बट हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके एक्टिव का पैसिव वॉइस कर रहे हो फिर वो कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं, थोड़ा नॉलेज दिखना चाहिए, पर कंटेंट ऐसा लिखो कि सामने वाले को लगे कि यार इसने तो 15 मार्क्स के हिसाब से लिखा है, तब तो वो आपको 11 मार्क्स के हिसाब से देगा, ओके। और हम यही गलती करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अरे 11 मार्कर है लिख दो, थोड़ा थोड़ा पेपर ख़त्म करना है, 11 मार्कर आखिरी में अटैम्प्ट करोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तुम उसमें क्वालिटी नहीं ला पाओगे, इसलिए 3 मार्कर पहले करो फिर सारे 11 मार्कर पे करो, सोचो उसमें अगर एक्स्ट्रा 10 मिनट भी लग जाता है, 10 मिनट जो बड़ी बात है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम गेम के अंदर हो अभी भी, 5 मार्कर पे कूदो, 5 मार्कर में तुम्हें डायग्राम वगैरह की 1-2 जगह ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पे पड़ती है तो, नहीं तो तुम्हारा फ्लो चार्ट से या पॉइंट से तुम्हारा काम हो जाता है, और 3 मार्कर तो तुम ऐसे मतलब चिल्लर की तरह उसको फटाफट करते जाओ, एंड में भी करोगे तो हो जाएगा, अगर एंड के 40-45 मिनट भी हैं तुम्हारे पास तो भी 3 मार्कर तुम्हारे से हो जाएंगे, कोई ऐसा वो बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी ला के मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने। 3 मार्कर में अगर सही लिखोगे तो सामने वाला आपको 2 मार्क्स दे रहा है, थोड़ा उल्टा सीधा गड़बड़ लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, और बहुत अच्छा लिख दो तो शायद आपको 2.5 दे दे वो, राइट। तो वो लगभग मार्क्स सेम होने वाले हैं किसमें, 3 मार्कर में। एज बनती है 11 मार्कर में, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, तो पहले 2 पेपर में लगभग सबका स्कोर अच्छा रहेगा। ये सारे पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए, जैसे कि अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी में पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, यहाँ वहाँ की चीज़ें मत देखिए। पिछले बार हिंदी का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा अपर एज पे आया था, 2020-2021 का जो मेंस आया था वो थोड़ा सा अच्छा था, है ना, हिंदी का, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि हिंदी का पेपर थोड़ा सा आप उस पर फोकस अच्छा करिए, है ना, हिंदी के इस पे। और जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेपर 4 है, पेपर 4 में आपको एथिक्स के पेपर में 2 केस स्टडी आएगी। अब एक केस स्टडी 20 मार्क्स की है और पेजेस आपको केस स्टडी के लिए मिलते हैं उतने ही, वो आपको 2 ही पेज देता है, इतना ही जितना 11 मार्कर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, उतनी ही 20 मार्क्स के लिए केस स्टडी में 2 ही पेज मिल रहे हैं, एक ये वाला पेज है और एक आपका ये वाला पेज है। तो केस स्टडी में आपको हमेशा एक तो जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके हिसाब से लिखना है, मतलब जो उन्होंने 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 4 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के, तो वहाँ पे 20 मार्क्स हो गए, तो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एकदम प्रिसाइजली लिखना है। तो अगर ये 20 मार्क्स का है और आपको वो उन्होंने ऐसा दिया है तो पहला क्वेश्चन यहाँ जाना चाहिए, दूसरा यहाँ, 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 तो 1, 2, 3, 4 ऐसा। और इसमें भी जैसे उनका डिमांड है, आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, क्या एथिकल कंसर्न है, एथिकल कंसर्न्स को अंडरलाइन करिए, ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए। जितनी कॉपी सिस्टमेटिक दिखेगी, क्लियर कट दिखेगी, सामने वाले को चेक करने में आसानी होनी चाहिए, उसका पेन नहीं रुकना चाहिए, उसका पेन रुका आपके मार्क्स गए, सिंपल कॉन्सेप्ट है।
तो आपको प्रेजेंटेशन राइटिंग वाइटिंग पे इतना फोकस करना है कि सामने वाले का पूरा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत लिखो, कोई क्वेश्चन छूट रहा है छूटने दो, पर अगर 5 मार्कर 11 मार्कर तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कुछ तो फाइट करना पड़ेगा वहाँ पे। 3 मार्कर का वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ बिल्कुल नहीं आइडिया है तो यहाँ वहाँ की बातें मत लिखो, छोड़ दो, गलत मत लिखो, पर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए आप, ठीक है। और जहाँ पर ये बात आती है हिंदी का जो पेपर 2 है, यहाँ पे आपको एक पता है कि 2 ऐसे का क्वेश्चन आने वाला और एक आवेदन वाला जो सवाल आएगा वो। अब आवेदन के सवाल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखिए, कोशिश करिए कि जो MPPSC या कोई भी आपके आसपास कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगा तो उसके ऑफिस का कोई भी फाइल देख लीजिए एक बार कि वो कैसे लिखा हुआ है ना, ऊपर क्या है, डेट कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका लेटर नंबर है वो कौन सा है, इन सब चीज़ों क्या होता है, अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर आप डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे, जो आवेदन वाला सवाल है, प्रतिवेदन है, आवेदन है, जो भी, तो उसमें जितना डिटेलिंग आपका रहेगा हर चीज़ उसमें रहनी चाहिए, और अगर आप उसको मार्क करेंगे तो कम से कम 7 या 8 चीज़ें रहती हैं एक लेटर के अंदर, एक प्रॉपर जो किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका, तो 10 चीज़ें हैं कम से कम उसमें। पहला एक डेट है, फिर किसको दिया गया है, उसमें शुरू में पहला वर्ड कौन सा आता है, फिर किसको लिए दिया गया, उनका एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद विषय क्या है, वो विषय आएगा, फिर उसके बाद रेफरेंस के तौर पे ये क्या चीज़ ली गई तो रेफरेंस का आएगा, फिर मेन बॉडी आएगी उसके अंदर भी 2-3 पैराग्राफ रहेंगे, फिर भवदीय वगैरह जो एंड में लिखना है, फिर उसकी कॉपी किस किस को जाएगी। ये जितना ज़्यादा डिटेल्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा हिंदी के पेपर 2 में। तो इस चीज़ के जो 25 नंबर हैं आप उसको याद रखिएगा, 25 मार्क्स का वो पूरा क्वेश्चन आता है हिंदी के पेपर में। पूरी कोशिश करिए कि इस 300 मार्क्स में से आपको कम से कम 200 उठाने हैं यहाँ पे। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, कि आप ऐसी हिंदी कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ऐसे राइटिंग शुरू नहीं की है तो आप ऐसे राइटिंग शुरू करिए, कोशिश करिए कि आपके ऐसे में करंट कंटेंट रहे, आपके ऐसे में प्रॉपर पैराग्राफ रहे, एक ब्लूप्रिंट बने, उसके बाद ही आप ऐसे लिखिए ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो प्रॉपर एक चैनलाइज्ड या एक सही फॉर्मेट में उसमें फिट हो सकें। तो 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन, 200 मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करना है, और इन दोनों पेपर में जो 500 मार्क्स है कोशिश करिए कि यहाँ पे आपके 200 तक आए साइंस के पेपर में, ये आपका बहुत स्कोरिंग पेपर होना चाहिए। और एथिक्स में तो अगर आपका 100 के रेंज में भी आता है, 110 के रेंज में भी आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका 500 मार्क्स यहाँ से उठ जाता है और यहाँ से अगर आपका 200 या 250 के रेंज में उठता है तो आपको 100% इंटरव्यू कॉल है। इस पूरे 1400 में से 800 आ गए तो फिर तो टॉपर्स में आपका नाम आ रहा है ना, वो चीज़ आप जानते होंगे। तो आप ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी थी, है ना, और जैसे जो इजी यूनिट है, जैसे एथिक्स का पहला यूनिट है या पॉलिटिकल थिंकर्स वाले जो थिंकर्स वाली यूनिट है, एथिकल थिंकर्स है एक, वो पॉलिटिकल थिंकर्स वाला यूनिट है, इन दोनों में सबकी किताबों के नाम है ना, सबके एरिया ऑफ कंसर्न, कोई उन्होंने किस चीज़ पे काम किया, कोई डेफिनेशन उन्होंने दी जो उनसे उसी इंसान से रिलेटेड है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर आपके दीनदयाल उपाध्याय के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, अरिस्टोटल के, प्लेटो के, तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा क्योंकि वो 3 मार्कर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अकॉर्डिंग लाइक व्हाट इज़ दिस अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, है ना, तो टोटल रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें, है ना। चलिए ठीक है, बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट होगा आपको, कोई चीज़ आप जानना चाहते होंगे तो इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अभी आप आज के दिन फ्री हूँ, 1-2 दिन थोड़ा फ्री रहूँगा तो मैं आपको वो कोई जवाब होगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ अनर्क जैन फ्रॉम निधि अकेडमी, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।